क्या हुआ? गाड़ी की पेट्रोल खत्म हो गई है मैडम। अरे पर घर से निकलते समय गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं ये देख लेना चाहिए ना। तुम पेट्रोल भर के घर जाओ, मैं आ जाऊंगी। मैडम बिजली चमक रहा है, बारिश लगता होने वाली है, आपको इस हालत में बाहर नहीं जाना चाहिए। आज नाग पंचमी है, कैसे भी करके हमें नाग देवता का दर्शन करना ही होगा। वहां जाकर नाग देवता को दूध पिलाना है। कन्या का जन्म हुआ, अन्याय को दूर करके न्याय की संस्थापना करने के लिए ही खुद देवी माता लड़की के रूप में इस धरती पर जन्म ली है। प्रणाम स्वामी, ये हमारी पहली बेटी है, इसे आशीर्वाद दीजिए और इसका नामकरण कीजिए। नंदिनी, हमें खुशी हुई। प्रणाम स्वामी जी। गुरुदेव, आप तो नियम का पालन करते हैं, शांत रहते हैं, मगर आज अचानक आप चिंतित क्यों दिख रहे हैं बाबा? उसका कारण ये है कि जिस लड़की का मैंने नामकरण किया है, ये लड़की तीन लोगों की मृत्यु का कारण बनने वाली है और उन तीन लोगों में उसके पिताजी भी शामिल हैं। हे नंदिनी, आग बंद करके ये क्या कर रही थी? अगर गिर जाती तो क्या होता? क्या होता, ज्यादा से ज्यादा मेरा सर फूट जाता, फूटने देते। ए, ऐसा मत कहो। एक बात कहूँ, तुम अपने डैडी से गुस्सा हो? हाँ, मैं तो आप पे गुस्सा हूँ। आप मुझे हर दिन उठाते हैं और मैं उठने के साथ आपका चेहरा देखती हूँ, और आज आज क्यों नहीं उठाया आपने मुझे? आज बेटा, आज सुबह सुबह मेरे एक दोस्त का फोन आ गया था, इसलिए मैं बहुत परेशान हो गया था बेटा, इसलिए मैं तुझे उठाना भूल गया बेटा। आप बड़े होके अपना कर्तव्य भूल गए, इसकी सजा आपको पता है ना? नहीं, मुझे नहीं पता, तुम बोलो। ठीक है, अपने कान पकड़ो। हमारे नहीं। तो किसके? अपने। हाँ, मेरा। ये लो, पकड़ लिया। अब उठक बैठक के लिए तैयार हो? क्या उठक बैठक करूँ? करते हो या नहीं? ठीक है बाबा, करता हूँ, पर मुझे ये पता नहीं लग रहा कि तू मेरी बेटी है या माँ। शुरू करो। एक, दो, पांच, तीन, चार। अरे ये क्या, ये आप सुबह सुबह क्या कर रहे हो? क्या करें, स्कूल में तो किसी ने सजा नहीं दिया, अब ये मास्टर ने मुझे दंड दे रही है। अरे बाप रे, पैर दुखने लग गए बाबा। चलो हाथ दो मुझे। चलो नंदिनी, अब तुम्हें स्नान करना है, भगवान की पूजा भी तो करनी है ना। ओ मैडम जी,
किस सन्यासी से तुमने इसका नामकरण करवाया था बोलो तो जरा। अब क्या पूजा उजा करवा के इसको सन्यासी बनाओगी? बोलो बोलो। माँ राजा कहाँ पर है? अभी कितना वक्त हुआ है? 8। राजा पक्का इंग्लिश बाबू है, टाइम टेबल फिक्स। वो अभी डाइनिंग टेबल पर बैठा होगा। अरे रे 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 रे, अरे ये क्या कर रहे हो? तू इस तरह से आवाज क्यों कर रहे हो? तुमको 8 बजे खाना चाहिए, हमको पता है। टोपी लगा के अपने आप को अंग्रेज बाबू समझ रहा है? हैं? एक तो मेरा सिगरेट पी रहे हो, उस पर से हम पर हुक्म चला रहे हो। ये बात हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, बंदर कहीं के। अरे सुन, क्या हुआ मालकिन? राजा को बॉर्नविटा दे दो। देता हूँ बॉर्नविटा। हम अगर बंदर होते तो अच्छा ही होता। बंदर कहीं के, ये बंदर को बताते हैं दूध कम पानी ज्यादा ईट ठीक रहेगा। इस बंदर के लिए बस 1 चम्मच। आज मलाई वाला दूध हम पिएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बॉन बीटा तैयार है, बाद में आके हम अपना बॉन बीटा पिएंगे। ये बॉन बीटा पी के अब तगड़ा हो जाइए राजा साहब। अरे सुन। जी मालकिन। जरा इधर आओ। आते हैं मालकिन। बॉर्नविटा, बॉर्नविटा इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। अरे हमने बॉर्नविटा में नमक कौन डाल दिया? माँ मैं रेडी हो गई। आ गई। ये ले तुम्हारा डिब्बा। अरे क्या कर रही हो? देखते हो ना ड्राइवर कितनी बार हॉर्न बजा चुका है। अगर जल्दी नहीं करोगी ना तो वो तुम्हें बोनट पे बिठा देगा। चलो चलो चलो। गुड मॉर्निंग राजा। जल्दी। टाटा मम्मी, टाटा पापा। टाटा टाटा, बाय बाय। लक्ष्मी नंदनी के लिए अच्छा ड्राइवर ढूंढा है तुमने। कभी गलत नहीं बोलता है, पेट्रोल की चोरी भी नहीं करता है, और कभी छुट्टी भी नहीं मांगता। रामनवमी के दिन हम मंदिर गए थे, वहाँ पर ये मुझे बेहोश हालत में मिला था। मुझे इस पर दया आ गई और मैं इसे घर ले आई, उसका इलाज कराया। वो अच्छा भी हुआ और अपने ही घर पे रह गया। क्या पता राम भक्त राजा के ही रूप में हमारे घर पे रह रहा होगा। तुम सही कह रही हो। चलो चलो। चलिए। अरे रुको 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 रुको, हम तुमको रोज जीप चलाते हुए देखते हैं, तुम्हारा लाइसेंस कहाँ है? नहीं तो फाइन भरना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, जानवर हो लेकिन हफ्ता कैसे देना है ये बात तुमको मालूम है, लेकिन हम नहीं लेंगे। जाओ जाओ जाओ। हेलो रमेश। हेलो रंजीत। हाय कमलिनी। हेलो। चलिए आइए अंदर। हाँ। चाबी नंबर 1। चाबी नंबर 2।
चाबी नंबर 3। लक्ष्मी। हाँ? देखो मैं जरा बाहर जाके आता हूँ। जरा मेरी बात सुनिए। क्या हुआ? ये दोनों लोग कौन हैं? ये हमेशा दोनों आते हैं और आप इनके साथ चले जाते हैं। उनके बारे में या उनके व्यवहार के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं चलता। लक्ष्मी, घर की जिम्मेदारी तुम संभालो, यही तुम्हारे लिए काफी है। वैसे ही धंधे की जिम्मेदारी मुझ पे है, काम के बीच में तुम मत बोला करो। देखिए, इस हफ्ते शिक्षा अधिकारी ऑडिट के लिए हमारे स्कूल में आने वाले हैं। उनकी स्वागत की तैयारी करो। ओह ब्राउनी, प्रकाश का संदेश लेके आए हो। ओके ब्राउनी, जाओ तुम। हमेशा की तरह छुट्टी की अर्जी भेजा है। अच्छा, मतलब पूर्णिमा है आज। सर, जब से हम स्कूल में आए तब से देख रहे हैं कि प्रकाश सर हर पूर्णिमा के दिन छुट्टी लेते हैं, ऐसा क्यों भला? ये तो नहीं समझने वाली बात है। हर एक पूर्णिमा को प्रकाश के ऊपर कौन सी आपत्ति आती है ये तो भगवान ही जाने। श्रुति, लो थोड़ा खा लो। लो ना श्रुति। प्रकाश, इस घर में आए हुए तुम्हें 6 महीने हो गए। तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है मैं देख रही हूँ। तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी के साथ भगवान ऐसे खेल क्यों खेल रहा है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ बहन, मैंने बहुत से उपाय किए, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया, लेकिन श्रुति का कोई इलाज न हो सका।
आगे क्या करूं? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर का इलाज करा के कोई फायदा नहीं होगा, मेरी बात सुनो। पड़ोस में एक जागृत नाग देवता का मंदिर है, तुम वहाँ श्रुति को जरूर ले जाओ, कुछ दिन उससे नाग देवता की पूजा करवाओ, वही इस बीमारी से मुक्ति दिलवाएगा। बस बंद करो तुम अपनी ये बकवास। श्रुति के इस परिस्थिति का कारण वो नाग ही है और तुम उस नाग के बारे में बोल रही हो। प्लीज उस नाग का नाम भी मत लेना मेरे सामने। राजा, आजकल तुम बहुत भूलते जा रहे हो। भूख लगी ये सुनकर तुम मेरे लिए अंडा ले आए? मुझे अंडा पसंद नहीं है, ये बात तुम्हें मालूम नहीं है क्या? ए? ये क्या? ड्राइवर का ड्रेस पहनो, वेटर का ड्रेस मत पहनो। वेटर का ड्रेस पहन कर मुझे नौकरी से निकलवाओगे क्या? निकालो ड्रेस, चलो निकालो, निकालो जल्दी। मैंने ही राजा को ये ड्रेस दिया है, आज से तुम्हारे सारे काम ये राजा ही करेगा। मेरा क्या? हमसे कोई गलती हुई क्या? तुम्हारे सारे गलतियों की लिस्ट राजा के पास है। राजा, लिस्ट बताओ जरा। दो राजा, दो। ये तो हनुमान जी के पूछ जैसा है। बॉर्नविटा से लेके अब तक चुराए हुए सारे चीजों के नाम इसमें हैं। चलो निकलो, गेट आउट। हम हिटलर के जैसा मुंह रख के बटलर बन गए हैं, अब आगे क्या होगा? हे भगवान, अब हम का करें? अरे अरे, क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहे हो? अरे नंदिनी के साथ मैं खेल रहा था, इसलिए थोड़ा थक गया हूँ। जब तक वो मुझे नीचे ढूंढेगा तब तक मुझे थोड़ा प्रेम करने दे तुम्हारे साथ। अरे वो मुझे ढूंढ कर आऊंगी। आप कहाँ छुपे हो? देखो मैं इसके अंदर छुप जाता हूँ, वो आएगी तो बोलना मत कि मैं यहाँ छुपा हूँ। मम्मी, डैडी आए हैं क्या? ना ना ना, नहीं आए, ना आए, नहीं आए। पापा टेरेस पे गए होंगे। ऐसे डांस क्यों करती हो? नहीं नहीं, चिमटी नहीं नहीं, खटमल। तुम्हें गुदगुदी कौन कर रहा है? खटमल, बहुत खटमल हुए हैं। अच्छा ऐसा। हाँ? मम्मी, मुझे एक सवाल पूछना है। क्या सवाल है? मनुष्य के कितने पैर होते हैं? दो। और समझ लो, चार पैर होंगे तो? तब वो गधा। ये रहा गधा। अच्छा डैडी, आप यहाँ छुप गए हो? देखो खेल में मैं कहीं भी छुप सकता हूँ। चलो एक ऐसा काम करते हैं, दूसरा खेल खेला जाए। तुम जरा सोच के आओ। जाओ लक्ष्मी। देखो कुछ भी करके नंदी को सुला, फिर उसके बाद हम अपना खेल खेलें। गाए बिटिया मम्मी आ रे।
बिटिया रानी, मीठी मीठी बोली तेरी मीठी बिटिया रानी। सारे सो गए, बादल सो गए, आसमान में चंदा सो गए, अब तो जाना है काम पे, चलो अब चल के सो जाए, रात हो गई है बिटिया। थक गई मम्मी तुम्हारी, अब मुझे जाने दो, खेल का वक्त नहीं, अब हम सो रहे। आसमान में चंदा सो गई, मुश्किल से और मेहनत करके हमने ये पैसा कमाया है। वो किसके लिए? हेमा के लिए ना, उसकी शादी की उम्र हुई है, पर अभी तक शादी तय नहीं हुई है। हेमा को कुछ नहीं आता है, इसलिए सब मना करके जाते हैं, उसको तो गाना भी नहीं आता। हाँ ना, क्या करूँ, आप ही बताओ ना। हम जैसे बेकार आदमी को नौकरी पर रख के आपने हम पे उपकार किया है, हम आपके लिए बढ़िया दामाद जरूर ढूँढेंगे। हाँ, पर उससे पहले हेमा को गीत सिखाने के लिए संगीत टीचर को बुला लाओ। अभी जाते हैं, लेके आते हैं। मम्मी मैं तैयार हो गई। देखो ये मंत्रित लिंबू मैं भगवान के मंदिर से लेकर आई हूँ, तुम अपने पास रखो हाँ, क्योंकि तुम्हें किसी की नजर ना लगे। ओ मैडम जी, अपनी बिटिया पिकनिक पे जा रही है, कोनो काशी बनारस की यात्रा पे नहीं। ये नींबू सिंबू देख लेगे ना कोई इसके पास तो हंसेंगे इसके ऊपर। कहीं भी जाने दो, हमें उसकी चिंता लगी रहेगी। अगर ये नींबू उसके साथ रहेगा तो मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। लक्ष्मी, हम कंप्यूटर के जमाने में जी रहे हैं और तुम अभी भी वो पुराने ख्यालात को लेकर बैठ गई हो। तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे जैसे लोगों को म्यूजियम में रखना चाहिए। जाओ बेटी जाओ, देर हो रही है, तुम जाओ जाओ। संभालो बेटी। देख लिया ना, मैंने क्या कहा था, मैं नहीं भेजूंगी नंदिनी को पिकनिक पे। धीरे बोलो, कोई सुनेगा तो हंसेगा। कैसा सगुन अपसगुन हा? जाओ बेटे जाओ, तुम पिकनिक पे जाओ। बाय मम्मी, बाय डैडी, टाटा। कैसा अपसगुन। दादा
ड्राइवर गाड़ी क्यों रोक दी है? हमने नहीं रोका, अपने आप रुक गया। देखता हूँ। क्यों जी, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो नहीं है, मगर चालू नहीं हो रहा है। एक काम करो, बच्चों को गाड़ी में ही सोने दो, सुबह आके गाड़ी ले जाना। डॉक्टर, क्या हुआ मेरी बिटिया को? क्या हुआ डॉक्टर? रमेश, डरने की कोई बात नहीं है। भयानक सपना देख के ये घबरा गई है। हाँ। बस बेहोश हो गई है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, बस थोड़ी देर में ये होश में आ जाएगी। ओके। क्या हुआ मेरी बिटिया को? नंदनी, निकल जाओ, निकल जाओ! मैं आप लोगों के मुंह नहीं देखना चाहती। निकल जाओ यहाँ से, जाओ। नंदनी, जाओ यहाँ से। नंदनी, डॉक्टर, डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी बेटी को? वो हमारा शकल नहीं देखना चाहती। रोज सवेरे उठकर हमारा चेहरा देखने वाली बिटिया, अब ये कहती है कि हमारा चेहरा नहीं देखना चाहती। क्या हुआ है उसे, हमें सच सच बताइए। शांत हो जाओ रमेश, शांत हो जाओ। भयानक सपना देख के वो घबरा गई है, इसीलिए वो बड़बड़ा रही है। कल सुबह ही वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, डोंट वरी। ओके ओके। प्रकाश, प्रकाश, नाग देवता आ गई। हमें पता था वो जरूर आएगी, जरूर आएगी। वो आ गई, वो प्रकाश नाग देवता आ गई। श्रुति, 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 अरे तुमको क्या हो गया है? श्रुति, तुमको क्या हुआ? नंदिनी, नंदिनी कहाँ गई? नंदिनी, 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 मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मम्मी, अरे मैं तो अपने मायके आई हूँ। मायका, ये तुम क्या कह रही हो? तुमने तो कहा था ना मुझे कि मेरा जन्म यहाँ पर ही हुआ है, तो ये मेरा मायका ही हुआ ना। हट, पगली कही थी। चलो लक्ष्मी, तुम सच कह रही हो ना? बिल्कुल सच है। अरे नंदिनी तो पहले जैसे बातें करने लगी है,
मुझे ऐसा लगता है कि अब उसकी तबीयत ठीक हो गई है। हे भगवान, भगवान करे जल्दी ठीक हो जाए। हेलो रमेश, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। एक पार्टी इसको खरीदने के लिए तैयार है। कल जाके 5 बजे हमें उनसे मिलना है। ठीक है रमेश? रमेश, रमेश क्या हुआ? रमेश ने कुछ बोला क्यों नहीं? भी घर से नहीं निकलना है। सावधान, सावधान। ये कितना विचित्र सूचना है, तुम्हारे गांव में इतना पाबंदी क्यों है? रात को घर से बाहर नहीं निकल सकते? तुम इस गांव में नए हो क्या? गांव के बाहर शंकर जी का एक प्राचीन मंदिर है। हर नाग पंचमी में नागदेव नागमणि को रख के शंकर जी की पूजा कर रहे हैं और फिर नागिन के साथ संगम करते हैं। यदि किसी ने देख लिया तो उसकी जान भी जा सकती है, इसीलिए ये एक सावधानी का इशारा है। चलो पैसे निकालो। इस गांव में नए दिखते हो, किसके पास जाना है? मुझे किसी के पास नहीं जाना है, मैं ग्राम पंचायत के स्कूल का नया शिक्षक हूँ। तुम अ टीचर? इसमें हंसने की कौन सी बात है? मुझे तो तुम खुद ही एक बच्चे दिखते हो। हा? तो बच्चे लोगों को कैसे पढ़ाओगे? तुम मेरी उम्र पे मत जाओ, मेरा जो दिमाग है ना उसे देखो, मैं काफी विद्वान शिक्षक हूँ, एकदम एक्सपर्ट। अब तुम जिसको सिखाने के लिए आए हो ना, वही तुम्हें अब अच्छा सिखाएंगे। ये मैं देख लूंगा, तुम मुझे स्कूल जाने का रास्ता बताओ। रास्ता? ये तरफ स्कूल है और उस तरफ बच्चे लोग है। ऐसा क्यों? लड़के उधर क्या कर रहे हैं? क्या मतलब, हमेशा की तरह मस्ती कर रहे हैं? महादेवा, महादेवा, स्कूल जाने के बदले तू ये बकरी लेके कहाँ घूम रहा है? बाजार से ले आया हूँ, इंग्लिश बोलता है। बकरी कहीं इंग्लिश बोलती है क्या? हाँ हाँ, जब मैं इंग्लिश में प्रश्न पूछता हूँ तो ये इंग्लिश में उत्तर देता है। ठीक है, पूछो। बच्चा, अप्रैल के बाद कौन सा महीना आता है? सुन लिया? हाँ बढ़िया, अब हम पूछेंगे। ठीक है पूछो। जून से पहले कौन सा महीना आता है बता? वाह, क्या इंग्लिश बोलती है, ये हमारी इंग्लिश टीचर। ये तो बहुत भयंकर दिख रहे हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा? हे भगवान, तुम इतना क्यों सोच रहे हो? आज मुझे दूध लेके आने में देरी हो गई ना, इसीलिए तुम दूध नहीं पी रहे हो। अरे पर हमेशा तो टाइम से आती हूँ ना। अब देखो, हाँ मेरी बात सुनना, अब चुपचाप दूध पी लो। अब तुम दूध नहीं पियोगे ना तो मैं पानी भी नहीं पीऊंगी, भूखी रहूंगी और मर जाऊंगी। हाँ, अगर मैं मर गई तो तुम्हें कौन देखेगा? बोलो, बताओ मुझे। चलो अब तो दूध पी लो, पी लो ना थोड़ा सा प्लीज। A for S. S मतलब गधा। S मतलब गधा। B for buffalo. Buffalo मतलब भैंस। Buffalo मतलब भैंस। C
सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली, डी फॉर डॉग, डॉग मतलब कुत्ता। अरे तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे कहाँ चले गए सभी? अच्छा हाँ, बी फॉर बफेलो मतलब इन सबको दूध पीने की इच्छा हो गई है, अब समझा। लगता है गया भैंस पानी में। बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं ये सब। अरे ये क्या, सांप की माला? गाय का दूध दूने के बदले तुम ग्वालन बन के सांप का खेल खेल रही हो। वो सब जाने दो, तुम अपने आप को बहुत बड़े शिक्षक समझ रहे थे ना, अब कहाँ गए तुम्हारे विद्यार्थी? हाँ, अब किसको सिखाओगे, ये झाड़ को या इन पत्थरों को? तुम्हारे दिमाग में अकल नहीं है, सिर्फ भूसा भरा है। हाँ। ए, तुम मुझे चिढ़ाओ मत, तुम मेरी शरीर से मजाक करो, नाक से करो, आँख से करो, लेकिन मेरे दिमाग से मजाक बिल्कुल नहीं करना। अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो हमारे प्रश्न का उत्तर दो। अरे तुम गांव की अनपढ़ लड़की मेरे जैसे शहर के पढ़े लिखे लड़के को चैलेंज कर रही हो? ठीक है, पूछो तुम। हाँ, अगर मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो हम जो सजा देंगे वो भुगतनी पड़ेगी। ठीक है ठीक है। जिसके पैर नहीं होते लेकिन तेजी से भागता है, पहचानो कौन? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अगर पैर नहीं होगा तो भागेगा कैसे? हार गए ना, हमें पता ही था। अब तुम खुद ही देख लो। अच्छा? पाँव नहीं तो कैसे भागता है? वो देखो। देखो देखो, भाग रहा है ना, बिना पैर के। हार गया, मान गया तुमको। ये गांव में हमें कोई भी हरा नहीं सकता, वैसे भी मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। अब वैसे भी तुम हार गए हो तो तुम्हें तो सजा देनी ही पड़ेगी ना। कहाँ से शिक्षा पाई हो तुम? बच्चे लोगों को कान पकड़कर उठक बैठक करवाते हो ना। हाँ? तो तुमको भी उनके जैसे कान पकड़ के उठक बैठक करनी ही पड़ेगी। हाँ? हाँ, चलो फटाफट कान पकड़ के उठक बैठक। हाँ? करो, चलो फटाफट फटाफट। हाँ? चलो। हाँ पकड़ रहा हूँ ना। अरे मर गया, अरे मेरी कान, अरे मर गया। अरे रे रे। अरे तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा है क्या ये उम्र में? तुम क्या कह रहे हो, अभी तो तुम बूढ़े भी नहीं हुए हो। अभी क्या? तो तुम्हारी शादी, बच्चे सब बाकी है, अब तुम्हारा कैसा होगा? इसकी चिंता तुम मत करो, इसकी दवाई है मेरे पास। अरे तुम खड़े कैसे हो गए? बैठो बैठो, कान पकड़ के उठो, खड़े करो। हाँ, चलो, हाँ, बोल रहा हूँ। अच्छी दोस्ती हो गई भाई। हमारे गुरुजी और श्रुति की दोस्ती करानी पड़ेगी। मतलब गुरुजी श्रुति को पढ़ाएंगे और हम भैंसों को पढ़ाएंगे? हाँ बराबर। ब्राउनी तुम उन दोनों का मिलाप करा दो। Thank you.
में बदलाव होता है ये तो मैं जानती हूँ, पर हमारी साड़ी और ब्लाउज की शर्ट और पैंट में तब्दीली कैसे हुई, ये आज मैं पहली बार देख रही हूँ। अरे इस चड्डी में गांव के अंदर कैसे जाऊंगा, कहाँ गया मेरा कपड़ा। अरे अकेला न रह पाऊंगा, तेरे बिन मैं तो मर जाऊंगा, ये रात कैसे कटेगी, तेरे बिन हम न जी सकेंगे।
जाओ पाऊंगा तेरे बिन मैं तो मर जाऊंगा ये रात कैसे कटेगी तेरे बिन हम न जी सकेंगे रंजीत, नागा गांव में एक देवी नाम का नाग रहता है। हर पूर्णिमा के रात वो अपने माथे का नागमणि निकालकर महादेव का पूजा करता है और नागिन के साथ संगम करता है। वो मणि बहुत कीमती है। वो मणि अगर हमें मिल जाए तो हम करोड़पति बन सकते हैं। तुमको जब ये खबर है तो तुम क्यों नहीं जाके वो मणि ले लेते हो? तुम अपने साथ मुझे क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? हर काम अकेले नहीं हो सकता रंजीत, तुझे साथ ले जाने का एक कारण भी है। रंजीत, तुम्हारे ये हाथ में जन्म से गरुड़ का एक निशान है और तुम्हें पता है कि सांप गरुड़ से डरता है। कामिनी, सांप का चमड़ा जो लोग स्मगलिंग करते हैं तुम तो उसे जानती हो ना? एक रात मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। आप लोगों के प्रॉफिट में मुझे कितना हिस्सा मिलेगा? बराबर का हिस्सा, तीनों में बराबर बराबर का हिस्सा बटेगा। वो तो ठीक है, पर इस सौदे में मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे करूंगी? देखो, ऐसा व्यवहार हमने पहले कभी नहीं किया, मुझसे नहीं होता है। पास्ता उल्टा पड़ गया है, मेरे धंधे में मुझे 25 लाख का नुकसान हो गया है और कर्जा ऊपर चढ़ गया है, मगर मेरी बेटी और मेरी पत्नी ये सब नहीं जानती है। मुझे उन लोगों को सुखी देखना है। ये मणि बेचकर जरूर इतना पैसा मिल जाएगा कि मैं अपना कर्जा चुका कर अपने परिवार को सुखी देख सकूंगा। बस इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तुम दोनों इस काम में साथ दो और मेरी मदद करो, हम सब के लिए फायदेमंद रहेगा। ओके, ठीक है रमेश, कल पूनम है, हमें कल ही चलना होगा। ओके। ना गांव के लोग, सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुन लीजिए। आज पूर्णिमा है, आज सूर्यास्त के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। सुनो सुनो सुनो, आज पूर्णिमा की रात है, कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और तुम भी बाहर मत निकलना, समझे? वो देखो दोनों सांप, संभल के आना। रंजीत, Thank you.
कर्पूरगरं करुणावन्तरं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तम्। ये फोटो काला नीला कैसे हुआ? जैसे कि किसी नाग ने इसे डसा हो। कमाल है, ये लो। चाहिए। तब क्या चाहिए तुम्हें? अंडा। क्या अंडा? काना को पसंद है मक्खन, और तुम्हारे पति को चाहिए पैसा। वैसे ही हमें चाहिए अंडा। नंदिनी, आज तक तो तुमने अंडा कभी नहीं खाया। आज से मैं अंडा खाऊंगी, वो भी कच्चा। ठीक है, ले आती हूँ। अंडे। ये क्या, सिर्फ अंडे? हमें दूध भी चाहिए। देती हूँ, अभी आई। नंदिनी, अरे ये कहाँ चली गई? सांप की केचुली, ये कहाँ से आ गई? नंदिनी, अरे जीव तो यहीं पे है। राजा कहाँ गया? राजा, ये क्या राजा? स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। इससे पहले तो जीप पे बैठकर हॉर्न बजाते थे, आज क्या हुआ? तुम इस तरह यहाँ क्यों बैठे हो? अच्छा बाबा, जीप के तो बाहर निकालो। नंदिनी, तुम गाड़ी बजा के बैठो, चलो। राजा, क्यों इसका रास्ता रोक रहे हो? जाने दो इसे। राजा, इसको जाने दो। हरामखोर, हमारे सामने हमारे बच्चे को डराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तो मैंने अपने बच्चे जैसे समझा, पर तुमने तो अपनी जात दिखा दी। तुम जानवर हो, जानवर। तुम कभी भी इंसान नहीं बन सकते। ठीक है फिर, आज के बाद तुम कभी भी नंदिनी को स्कूल लेकर नहीं जाओगे, मैं ही जाऊंगी। चलो चल। गलती करके हमसे माफी मांग रहे हो? छोड़ दो मेरा रास्ता और चलो यहाँ से। चल। सुनती हो? आ रही हूँ, तुम्हारे लिए दूध ला रही हूँ। हाँ,
किसके लिए दूध लेकर जा रही हूँ? तुम्हारे डैडी के लिए। दे दो, मुझे दे दो, मैं लेके जाती हूँ। अच्छा ले जाओ। अब इस जहरीले दूध से मैं उसे जरूर मार डालूंगी। गिरा? कुछ नहीं हुआ माँ। चलो चक्कर सागो। और दूध का ग्लास गिर गया और मेरी इच्छा अधूरी रह गई। नाराज हो गई बेटी? तू अपने पिता के लिए इतने प्यार से दूध लाई और ग्लास गिरकर टूट गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ आराम करो। चलो नंदिनी। क्या मम्मी? अरे ये कैसे चाल चल रही हो? तू ये सांप जैसे क्यों चल रही हो? अरे हमारे स्कूल में डांस है ना, उसकी प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। और सुनो, मैं नाग मंदिर जा रही हूँ। मैं यहाँ पर हूँ तो मैं नाग मंदिर क्यों जाना? तुम क्या कह रही हो, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमारे कहने का मतलब ऐसा कि आप मंदिर मत जाना बल्कि मैं जाऊँगी। अच्छा अच्छा, लाओ तो ये हमारे पास। बेटा तुम कहाँ जा रही हो? मंदिर की तरफ। मंदिर में? अच्छा तो तुम्हारी मम्मी की आदतें तुम में भी आ गई। बताओ मुझे, भगवान कहाँ है? भगवान तो हर जगह पे है। हाँ? जब भगवान हर जगह होते तो तुम लोग मंदिर में क्यों ढूंढते हो उन्हें? ए नंदनी, तुमने टायर की हवा क्यों पंक्चर की? अगर हवा हर तरफ है तो टायर में हवा भरने की क्या जरूरत है? मैं तुम लोगों को अपने देश के महत्वपूर्ण शहरों के बारे में बताऊंगा और तुम लोगों में से जिसको जो भी शहर पसंद है वो बताओ। ओके तो फिर
तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? कोल्हापुर। कोल्हापुर क्यों? हमारे दादाजी की वहाँ पर चप्पल की दुकान है जो मुझे पसंद है। अच्छा मणि तुमको? हमें तो मुंबई पसंद है। मुंबई? ऐसा क्यों? वो अमिताभ बच्चन जो रहता है। अच्छा नंदिनी। हाँ? तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? नागाँव। वो खिलखिलाते बहने वाली नदी, नदी किनारे का बसा हुआ गांव पसंद है और नाग देवता का मंदिर भी पसंद है। क्या बोल रही हो तुम? मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या उसका जवाब दोगे आप? जिसके पाँव नहीं होते हैं पर वो दौड़ता तेजी से है, बताओ कौन? जिसके पैर नहीं होते लेकिन तेजी से भागता है, पहचानो कौन? अरे ब्राउनी, टिफिन लेके आए हो? याद रखते हो प्रकाश। मिसेस शुक्ला, आज तुमने छुट्टी के लिए अर्जी क्यों नहीं दी? छुट्टी लेने के लिए आज है क्या? आज पूनम है। अरे मैं तो भूल ही गया, आज पूर्णिमा है, अब क्या करूं? ब्राउनी, कोई जरूरत नहीं है। मैं इसको बांधने जा रहा हूँ, ये तुम्हें कैसे पता चला, बताओ मुझे? मुझे तो सब पता है, उसके पागलपन के बारे में भी मालूम है और उसे कैसे अच्छा करना है वो भी पता है, हमें सब पता है। स्कूल में तुम मुझे सांप के बारे में बताई और उसके बारे में तुमने मुझे सवाल भी पूछा और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें सब खबर है? मुझे तुम सच सच बताओ, बोलो कौन हो तुम, कौन हो? मैं नंदिनी हूँ। देख लो तुम मेरे रूप।
नंदिनी, ये क्या बोल रही है? जिसने मुझे क्रूरता से मार दिया, उससे बदला लेने के लिए मैं आ गई हूँ। मेरा मणि लेकर मैं वापस जाऊंगी। दोस्त, तुम इतने चिंता में क्यों हो? मणि अब तक भीगा नहीं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। जिसे मणि बेचने वाले हैं, वो बहुत पैसे वाला है, और इस मणि से ही हमारी समस्या दूर होगी, और इसलिए इसे जल्दी से जल्दी बेचना होगा। चलो। तुम स्कूल गई थी ना, वापस कब आ गई तुम? आके बहुत टाइम हुआ डैडी। लेकिन वापस आई क्यों? मेरी एक चीज खो गई है, उसे ही ढूंढने के लिए आई हूँ। तुम्हारा चीज जहाँ खो गया है वहाँ ढूंढो, यहाँ बैठ के क्या खोज रही हो? नदी में गिरी हुई चीज उसी जगह पर नहीं मिलती, वो नदी के बहाव के साथ दूर दूर तक चली जाती है, और उसे ढूंढने के लिए तुम्हें उसी जगह जाना पड़ेगा। तुम्हारी खोई हुई चीज तुम्हें मिल गई क्या? वो तो हमारे नजदीकी है और जल्द ही मुझे मिलेगी। बेटी, हम लोग जा रहे हैं। हाँ, तुम लोगों का जाने का समय हो गया है। ठीक है बेटी, हम आते हैं। हाँ, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मगर तुम्हें अपना सामान ढूंढना है ना? वो चीज ढूंढने के लिए तो मैं आ रही हूँ। क्या कह रही हो बेटी? मुझे तो लगा था कि वो चीज घर में ही मिलेगी, पर नहीं मिली। शायद वो चीज रास्ते में मिल जाए। समझ गया। चलो। नंदिनी,
घर में खेलने के बदले तुम हम लोग साथ क्यों आई हो? आज के बाद के सारे खेल तुम्हारे साथ ही खेलूंगी। बहुत होशियार हो, सब सवाल के जवाब तुम्हारे पास रहते हैं। क्या हुआ बेटी? मुझे इनके डर लग रहा है। रंजीत, तुम्हारी भयानक शक्ल देख के डर गई मेरी बेटिया। चलो तुम आगे आके बैठ जाओ। चलो। हाँ आ रहा हूँ। नंदिनी, तुम मेरे बाजू में बैठी हो तो एक पप्पी दे दो। दे दूंगी, पक्का दे दूंगी, पर अभी नहीं। सबसे पहले ये रंजीत चाचा को दूंगी। उसके बाद तुम्हें। और बाद में इनको। रमेश, स्पीड बढ़ाओ, वो हमारा इंतजार कर रहे होंगे। टाइम से नहीं पहुंचेंगे तो देर हो जाएगी। सुनिए, सेठ जी घर पे हैं। मतलब आप लोगों को पता नहीं है कि सेठ जी मर गए हैं? क्या, सेठ जी मर गए? ये कैसे हो गया? सवेरे बगीचा में घूमने गए थे, वहीं सांप के डसने से मर गए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो कोई भी मड़ी खरीदना चाहता है वो अचानक मर जाता है। तुम हंस क्यों रही हो? लालच बुरी बला, जिसे नुकसान ही होता है, ऐसे हमारे टीचर कहते हैं। हमारी शादी हो गई, अब हम एक हैं। ये नाग देवता की इच्छा से ही हुआ है। हम दोनों के दिल में जो इच्छा था वो पूरा हुआ। आज हम लोग की पहली रात है ना, इसलिए मैंने ब्राउनी को काम सौंपा था, वो वही कर रहा है। ब्राउनी, हम दोनों एक महत्वपूर्ण काम करने जा रहे हैं। अब तुम जाओ यहाँ से, दोस्त जाओ यहाँ से। श्रुति, तुम नाग को पकड़कर खूब बड़बड़ा रही थी और तुमने सवाल पूछ के मुझे हरा भी दिया था। अब तुम चुप क्यों बैठी हो? क्या हुआ है तुम्हें? आज मैं तुम्हें काम दूंगा, बोलो करोगी? चलेगा, पर शर्त क्या होगी? जो मैं करूंगा वही तुम्हें करना पड़ेगा। इतना ही, इसमें क्या, तुम जो करोगे वो मैं कर दूंगी। तुम गाना गाओगे वही मैं गाऊंगी, और तुम अगर नाचोगे तो मैं भी नाचूंगी। अच्छा अच्छा। बार बार देखो, बार बार देखो, ये देखने की चीज़ है हमारी नालियो। बार बार देखो, बार बार देखो, ये देखने की। ऐसा करो। आज तुम हार गई और मैं जीत जाऊंगा, और मैं जो भी करूंगा तुम्हें रोकना नहीं होगा। आ जाओ। बेटा, तुम अकेले बैठ के क्या सोच रही हो? मैं एक योजना बना रही हूँ, उसे कैसे पूरा करना है उसके बारे में सोच रही हूँ। कैसी योजना? एक खेल खेलना है, पर खेलने के लिए कोई नहीं। अरे अपना राजा है ना, तुम उसके साथ खेलो। आजकल राजा बहुत गड़बड़ करता है, इसलिए मैंने उसके साथ खेलने से मना कर दिया। मेरे साथ खेलो, चलो। मुझे आपके साथ खेलने के लिए बहुत मजा आएगा।
तो कहो हम कौन सा खेल खेलें? आग में चोली। ओके, बोलो पहले तुम्हारी आंखें बंद करूं या मेरे? अगर आप आंख पे पट्टी बांधोगे ना तभी मैं अपने मन से खेल सकूंगी। चलिए आंख पर पट्टी बांधिए। तुम तैयार तो हो ना? मैं तैयार हूँ। रेडी हो तो फिर चलो। रेडी? नंदनी तुम कहीं भी रहोगी ना मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। नंदनी बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? डैडी मुझे इसे डर लग रहा है, इसे दूर करो। अरे गरुड़ जी का फोटो है उसमें क्या डरना? नहीं, उससे दूर करो। मुझे जरा भी पसंद नहीं। आई हेट इट गाइस, आई हेट इट गाइस। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बढ़िया, सब लोगों के लिए मैं एक लड़की हूँ पर तुम ही एक ऐसे हो जिसे पता है कि मैं एक नागिन हूँ, इसीलिए तो मैंने तुम्हें शाबाशी दी। एक बात मैं साफ साफ कहती हूँ कि मैं राम का नहीं बल्कि रावण का वध करना चाहती हूँ। राजा तुम हनुमान के वंशज हो, तुम हमेशा धर्म की प्रगति के लिए और उसकी रक्षा करने के लिए पैदा होते हो, अन्याय का प्रतिकार किया है। तब तुम उन बीते दिनों को याद करके दिल से बताना अगर मैं बदला लेना चाहती हूँ तो क्या वो गुनाह है? तो क्या मेरा मनुष्य में जन्म लेना गुनाह है? एक जीव के सामने दूसरा जीव है, जिसने हत्या की उसे मृत्यु की सजा होनी ही चाहिए। मेरे धैर्य से मुझे दूर ले जाके तुम रोकने की क्यों कोशिश करती हो? ये देखो मैं एक नाग शक्ति हूँ तो तुम देव शक्ति हो। तुम्हें बाजू में रख के या तुमसे ऊपर उठ के हमें किसी भी बात का फल नहीं मिलेगा। जब तुम रावण की कैद से सीता का उद्धार करने के लिए मदद कर रहे थे और मुझे वो दुष्ट लोगों के चिंगुल से मनी मिलने के खातिर तो भी मदद करो। इस धर्म युद्ध में जीतने के लिए हमें तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। बजरंग बली हम पर कृपा दृष्टि करे। इस मणि को बेचने के बाद मैं विदेश जाके सेटल हो जाऊंगा, कैसे भी इस मणि को बेचना ही होगा। मुझे तो रमेश पर शक है। रमेश पे? ये मणि बेचने में वो ही एक तकलीफ है। उस सेठ का रमेश ने ही तो खून नहीं किया ना। तुम चाहे जो भी बोलो लेकिन मुझे कोई भी हरा नहीं सकता। अरे हम ऐसा कोई प्लान करेंगे कि वो मणि हमारे हाथ में लग गया समझो। लक्ष्मी, लक्ष्मी। हेलो। बिना कारण तुम्हें अपने पत्नी को खोजने की जरूरत नहीं है। ये मेरे कब्जे में है। अरे दोस्त क्या कह रहे हो तुम? दोस्त वोस्त भूल जाओ। अगर तुम्हें अपनी बीबी जिंदा चाहिए तो मैं जो बोलूंगा वही तुम्हें करना होगा। मैंने कामिनी को तुम्हारे पास भेजा है।
वो मणि तुम कामिनी को दे दो। देखो रंजीत, मणि हम सबका है। बकवास बंद करो, मैं जो बोल रहा हूँ वही करो। रंजीत, रंजीत। मुझे बताओ तुम कौन हो? नंदिनी। तुम्हारा ये शरीर नंदिनी का है और तुम्हारे अंदर नाग शक्ति है। तुम्हें तो उस मंदिर में रहना चाहिए था, फिर तुम हमारे बेटी के शरीर में प्रवेश किया है। क्यों? क्यों किया ऐसे? कारण जानना चाहते हो तो सुनो। मेरे सर में जो मंदिर था वो तुम्हारे पति ने चुरा लिया, इसीलिए। एक को तो मैंने यमलोक से धार दिया और दो जन बाकी है, वो भी मर जाएंगे। हे भगवान। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम उसके चंगुल से कैसे बच गई? तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? वो सब जाने दो, रंजीत कुछ मनी की बात कर रहा था। पहले मुझे बताओ मनी कहाँ है। लक्ष्मी वो हमारा पर्सनल बात है, इसलिए सब पूछो मत। तुम एक बात बताओ, रंजीत के चंगुल से तुम्हें छुड़ाया किसने? नाग शक्ति ने, जिसकी मैं उपासना करती रही। था
देवी का वो रक्षा करे, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारे गले में ये मंगलसूत्र मैं कभी रहने नहीं दूंगी। जाओ,
मैंने हमेशा दिल से तुम्हारी पूजा अर्चना की, पर तुमने मेरी कभी नहीं सुनी। मेरी पति की हत्या करने का मन तुम कभी नहीं बदलोगी। निरपराध इंसान को मारना यह हत्या हो सकता है, पर एक दुष्ट को मारना तो उनका संहार होता है। जब भी पैर में कांटा लगता है तो तुरंत पानी आँख में आता है, और जब तुम हमारे पति की हत्या कर दोगी तब मुझे कितनी तकलीफ होगी। जब मेरा इसमें कोई दोष नहीं तो मुझे सजा क्यों? ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, तुम्हारे नसीब की डोरी पलवान है, पर तुम्हारे मंगलसूत्र की डोरी बहुत ही कमजोर है। इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। इसका मतलब तुम्हारा इरादा पक्का है कि तू हमारे पति की हत्या करेगी, ये सच है ना? हाँ, पर मैं श्रद्धा से तुम्हारी पूजा करती हूँ, तो मुझे एक वचन दो। बताओ, अपनी इच्छा बताओ, मैं वो पूरा करूँगी। पर वो वचन तुम पूरा करोगी ना? हमारी जान के टुकड़े भी हो जाए तो भी हमारी वाणी एक ही रहेगी। बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? हर सुहागन की इच्छा रहती है कि वो एक सुहागन की मौत मरे, यही मांग रही हूँ मैं। ये तुमने क्या मांगा? जब तक मेरे गले में ये मंगलसूत्र है तब तक तू हमारे पति को मौत नहीं दोगी, ये वचन दो हमें। दो हमें वचन? अच्छा, सती सावित्री के जैसे हमें झांसे में ले लिया। ठीक है फिर, जब तक ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में रहेगा तब तक मैं तुम्हारे पति को नहीं मारूंगी। दिया वचन। बहुत अच्छा, उपकार, बहुत उपकार, इतना काफी है। रुक जाओ, मैंने तो तुम्हें वचन दे दिया, अब तुम भी हमें एक वचन दे दो। वचन? कैसा वचन दूँ? कुछ भी हो जाए, मैं कौन हूँ इस बारे में तुम तुम्हारे पति को कभी नहीं कहोगी। वचन दो। ठीक है फिर, हम हमारे पति को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये मेरा वचन है। नंदिनी, अरे ये बाजा हमने तुम्हारे लिए तो नहीं लिया था, तो तुम्हें मिला कहाँ से? मुझे चाहिए था इसलिए खरीद लिया। हाँ, पहले हम भी खूब बजाते थे, हमेशा अपने जेब में रखा करते थे। अच्छा? हाँ, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा बाजा बजाते हाँ, हुए। तो ये बात है, लाओ मैं बजाता हूँ। नहीं नहीं, आप उसे नहीं बजाए, इस पर इसकी थूक लगी है। थूक लगा हाँ। है जहर लगा हुआ है ऐसा बोल रही हो क्या? अरे मेरी बेटी का थूक है, लगने दो। मेरी बात सुनो, वो बाजा मत बजाओ। क्यों नहीं, कारण क्या है बताओ मुझे। क्योंकि वो, क्योंकि वो क्या? पापा पापा मामा मामा, सही बोलो ना। वो देखो, वो बाजा को लक्ष्मी, क्या हुआ है तुम्हें? तुम मुझे ये बाजा बजाने क्यों नहीं दे रही हो? और ये लड़की गाना गा रही है, तुम दोनों के बीच में जरूर कुछ चल रहा है। हाँ, तुम्हें अप्रैल फूल बनाने के लिए नंदिनी ने इस बाजे को नीम का तेल लगाया है। अच्छा, ये बात है। हाँ, एक बार बेटी अपने बाप से मस्ती कर सकती है, पर पत्नी अपने पति की मस्ती कर सकती है क्या? बेटी, जब तक तुम्हारी माँ अपनी कमल कुंड से हमारी रक्षा कर रही है तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये लो रखो। ओके।
शरीर में नाग शक्ति है। किसी भी वक्त उसकी तरफ से मुझे धोखा हो सकता है। अब क्या करूं क्या करूं? कैसे भी करके ओ रमेश के पास से मनी निकालना ही पड़ेगा और ये देश छोड़ना होगा। हेलो रमेश, मैं कामिनी बोल रही हूँ। रोकड़ा पैसा देके मनी लेने के लिए पार्टी तैयार है। तुम तैयार रहना, मैं गाड़ी लेकर आती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर उसके पास जाएंगे, ठीक है? बाय। कामिनी, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? पार्टी कहाँ है? पार्टी? तुम्हें क्या लगा तुम्हें यहाँ पार्टी से मिलाने बुलाई हूँ? चुपचाप हो मनी, मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूँगी। हम हमारी जान से भी ज्यादा इसे रक्षा करके रखा है। हमारी जान भी चली जाए तब भी मैं ये मणि तुम्हें नहीं दूंगा। अच्छा, मनी तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? तो वो क्या है देखो। मुझे बचाओ लक्ष्मी। बोलो, तुमको वो चाहिए कि नहीं चाहिए? रुको रुको, मैं तुम्हें मरी देता हूँ। जल्दी लाओ। Thank you.
काल शत्रु तुम्हारे गले में रहेगा, तब तक मैं तुम्हारे पति को नहीं मारूंगी। दिया वचन। आज तक मैंने तुम्हें दिया हुआ वचन निभाया, पर मंगलसूत्र तुम्हारे गले में नहीं है, पर हमारे हाथ में है। आज मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे सामने ही मार दूंगी। नंदिनी, नंदिनी, ऐसे मत करो, हमारे पति को हमसे दूर मत करना। नंदिनी छोड़ दो, छोड़ दो नंदी, नंदिनी, 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 हमारे पति को मत मारो। नहीं, नहीं। जल्दी से बांधो, जल्दी से बांधो। नाग देवता, तुम्हें मारने वाले को तुमने मार के बदला ले लिया। हाँ, ये तो सिर्फ उनके साथ ही थे, इन्होंने तुम्हें नहीं मारा। नाग देवता, मुझे क्षमा कर दीजिए। नाग देवता, हम अपना कर्जा चुकाने के लिए बहुत कुछ गलत कर बैठे, मुझे मेरी गलती की शिक्षा मिल गई है, उस गुनाह के लिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझ पे दया कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। हम तुम्हें तुम्हारा मणि लौटा देते हैं, कृपा करके हमारे पति को जीवदान दे दो, हम सबको आशीर्वाद दे दो। नाग देवता, ये लीजिए आप अपनी मणि। बेटा, बेटा, नंदिनी।